जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RPL में। दोस्तों, आपको पता है UPSI के एग्ज़ाम समाप्त होने वाले हैं और UPASI के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ASI के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कंप्यूटर से वहाँ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म। आपके SI में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ASI में भी पूछे जाने हैं, तो देखना मत भूलिएगा। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट UPSI क्विक रिवीजन के नाम से। और SI के लिए भी हमने स्पेशल बना दिया है UPASI क्विक रिवीजन के नाम से, तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। देखिए, ATM के दोस्तों दो फुल फॉर्म होते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगला है दोस्तों, अर्पानेट का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ALU दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ALU दोस्तों किसका भाग होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ALU दोस्तों कंप्यूटर के किसका एक पार्ट होता है, जिसका दोस्तों अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अगला है APCI इंफॉर्मेशन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल। दोस्तों ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है AI दोस्तों, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला है ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्या, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए जो जो इंपॉर्टेंट दोस्तों उसको हम बताते रहेंगे। ठीक, अगला है BIOS दोस्तों, BIOS भी पूछा था। ठीक, तो BIOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों अगला है बेसिक। दोस्तों बेसिक का क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक और इंस्ट्रक्शन। दोस्तों तो ये है आपका बेसिक का फुल फॉर्म। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है BCR का, किसका दोस्तों, BCR तो बार कोड रीडर। दोस्तों आप देखते होंगे कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, कुछ चीज परचेज करने दोस्तों उस पे बार कोड लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला है BPI, है ना, बाइट्स पर इंच। दोस्तों क्या होता है, बाइट्स पर इंच दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है BSNL। आपको पता है ये दूर संचार कंपनी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या, भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों, BSNL। ठीक है, चलिए अगला है CDAC का दोस्तों क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस। क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कोबोल। दोस्तों आपको पता है ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है। तो दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस, है ना, ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों ये बिजनेस के पर्पज से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों ये देखिए आपका इजी भी है, आपने देखा होगा CD जो गोल गोल तरीके की होती है। ठीक है, अगला है CAD कैड, ना कैड क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों CPU, आपको पता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, अगला है CRT, है ना, कैथोड रे ट्यूब। क्या, कैथोड रे ट्यूब दोस्तों बोलते हैं किसको, CRT को। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, देखिए और जो जो इंपॉर्टेंट दोस्तों DTP दोस्तों पूछा था, क्या DTP, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। वही बात करते हैं DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों। क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों, ये है आपका DBMS। ठीक है, चलिए अगला है DNS, है ना, डोमेन नेम सर्वर। दोस्तों डोमेन नेम सर्वर दोस्तों DOS का पूछा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, किसका, DOS का। अगला है DVD, देखिए DVD दोस्तों क्या होता है, तो डिजिटल वर्सटाइल कह लें, या फिर दोस्तों देखिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कह लें, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोस्तों दोनों होते हैं, तो जो भी ऑप्शन मिले दोस्तों वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है DPI दोस्तों, डॉट पर इंच। दोस्तों आपको पता है ये मापक होता है, ठीक है, किसका दोस्तों, प्रिंटर का। ठीक है, DPI मतलब कहते हैं कितने DPI है, तो डॉट पर इंच। क्या है, डॉट पर इंच कितने डॉट दोस्तों देता है, वो इससे ही उसकी क्वालिटी मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है DSL, क्या DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दोस्तों, ना। अगला है EE
पी आर है ना, ई ई पी रोम दोस्तों है ना। देखिए इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या है ईमेल। अब बताएगा ईमेल की खोज किसने की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला है दोस्तों ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, क्या ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग दोस्तों। चलिए अगला है ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है एनियाक दोस्तों, पता है सबसे पहला कंप्यूटर था एनियाक, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक है ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर दोस्तों, ये पहला कंप्यूटर था, ये चीज याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे आ गया, सी से कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए अगला है इंटरनेट, आपको पता है इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। चलिए अगला है एफएम दोस्तों, क्या होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना, तो ये चीज याद रखेंगे एफएम का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला है, अगला क्या है फोर्ट्रॉन दोस्तों, ये भी एक क्या है भाषा है दोस्तों फोर्ट्रॉन ना, तो दोस्तों क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, क्या फार्मूला ट्रांसलेशन दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है ईएमआई है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। चलिए अगला है देखिए एफडीडी दोस्तों, ये याद रखेंगे एफडीडी, क्या होता है फ्लॉफी डिस्क ड्राइव, क्या फ्लॉफी डिस्क ड्राइव, और होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। जीबी मतलब गीगाबाइट आपको पता होगा, ठीक है, टेराबाइट टीबी है ना, इस तरह से पता होगा एमबी है ना, ये सब चीज आप जानते होंगे। चलिए अगला है जीएसएम, देखिए जीएसएम के मोबाइल आते थे, आपको पता होगा जीएसएम के आते थे, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दोस्तों। और जीपीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, क्या जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस दोस्तों। अगला है जीपीएल है ना, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, याद रखेंगे GIF, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, GUI है ना, ये देख लेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों, ठीक। HDD, देखिए HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, क्या हार्ड डिस्क होता है दोस्तों HDD। HLL दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को HLL बोलते हैं, और HTML बहुत बार पूछा गया, HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। HTTP दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, ठीक है, जो ये आप सर्च करते हैं वहां लिखा होता है HTTP है ना, इस तरह से लिखा होता है HTTP ऐसे करके लिखा होता है जहां पे आप सर्च करते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखेंगे IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। चलिए IC दोस्तों, IC मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है IC, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए इंटरनेट बता चुके हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में पता चलता जो IP से ही, एड्रेस से ही पता चलता है, जैसे मान लिया किसी ने दोस्तों किसी को धमकी भरा ईमेल भेजा तो कैसे पता चलेगा कहां से आया, तो दोस्तों IP एड्रेस से ही पता चलता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों IRC इंटरनेट रिले चैट, ठीक, ISP दोस्तों क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है आपका ISP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, IT दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है IP, और दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है LAN, ठीक है, LAN दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, और दोस्तों LCD बोलते नहीं LCD है ना, LCD है ना, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दोस्तों, ठीक है, LED का तो लाइट है ना, तो लाइट इमिटिंग डायोड है ना, ये इंपॉर्टेंट है LED, ठीक है। मैन का होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन है ना, पोलिटियन और एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला दोस्तों MICR, ये भी पूछा आता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डेशन है ना, ये दोस्तों MICR भी पूछा गया कई बार। MTNL दोस्तों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दोस्तों, MTNL ये भी कंपनी है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों NIC क्या होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अगला होता है OS, देखते नहीं OS लिखा होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। OSS क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला है OTP फुल फॉर्म क्या होता है वन टाइम पासवर्ड, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, ठीक है। अगला है OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग। अगला है OSI ओपन सोर्स इनिटिएटिव है ना। चलिए अगला है पैन का क्या होता है, पैन कार्ड जो बनता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों। और PC क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये भी आपको पता होगा। और PPM पेज पर मिनट दोस्तों, ये स्पीड होती है प्रिंटर की, ठीक है। चलिए PROM क्या होता है
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला दोस्तों पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, है ना, पीएनजी फोटो बनाते हैं, ठीक है। पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पीपीपी का होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता होगा, ठीक है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए एसएमपीएस ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्विच मोड पावर सप्लाई, दोस्तों पावर सप्लाई के लिए से रखा जाता है। देखिए सिम जो यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, याद रखें। एसएमएस क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस दोस्तों, जिसको एसएमएस बोलते हैं। अगला है टीबी टेराबाइट, ठीक है। और दोस्तों इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं, यूपीएस, है ना। और दोस्तों यूआरएल यूनिफॉर्म, है ना, रिसोर्स लोकेटर, क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है यूएलएसआई दोस्तों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ये चीज याद रखेंगे। अगला है यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, दोस्तों यूएसबी जो लगाते हैं हम, ठीक है। अगला है वैन वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगला है वीएलएसआई दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ना ये याद रखेंगे। और दोस्तों वीडीयू, है ना, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अगला है वैन वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों, है ना। और अगला है वार्म दोस्तों, राइट वंस रीड मैनी, है ना। अगला है www दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, www क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। और fi क्या होता है ना, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक, चलिए वाईफाई। चलिए दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जा सकते हैं जिसका नाम दोस्तों कंप्यूटर फैक्ट्स आर वेल, वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मैराथन क्लास में, एक ही मैराथन क्लास में दोस्तों जल्दी अपलोड होने वाली है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक ही मैराथन में संपूर्ण कंप्यूटर क्लास पढ़ा देंगे, जिससे दोस्तों आपके एएसआई के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप जा सकते हैं, जिसका नाम क्या है कंप्यूटर फैक्ट्स आर वेल, दोबारा बता रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, कंप्यूटर फैक्ट्स आर वेल, ठीक है, आर वेल पे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।